Hello students, let's revise basal cell carcinoma. बेसल सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो नोन एज रोडेंट अल्सर क्योंकि वो लोकली इन्वेजिव और लोकली डिस्ट्रक्टिव होता है मोस्ट कॉमनली सन एक्सपोज स्किन में दिखता है मोस्ट कॉमन हेड एंड नैक रीजन में रहता है ऑल्सो सीन एंड ट्रंक एनोजेनाइटल रीजन पाम्स एंड सोल जेनेटिक म्यूटेशन भी इन्वॉल्ड हैं जो जीन्स इन्वॉल्व हैं टी पी फिफ्टी थ्री पैच वन एस एम ओ सी डी के एन एंड रास और यू वी रेडिएशन इंड्यूस्ड कार्सिनोजेनिस मिलती है इसमें एक लाइन जो एंगल ऑफ माउथ से पिन्ना को कनेक्ट करती है उसके ऊपर हमको देखने को मिलता है और रोडेंट अल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लिटरली स्किन को निबल करता है ग्रॉसली फ्लैश कलर्ड नोड्यूल्स मिलते हैं हमको जो अल्सरेटेड भी हो सकते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक रोल्ड आउट बॉर्डर्स माइक्रोस्कोपिकली हमको लार्ज लोब्यूल्स या नेस्ट्स मिलते हैं विथ पेरीफेरल न्यूक्लियर पैलिसेडिंग और कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफेक्चुअल क्लेफ्टिंग मिलती है बिटवीन द नेस्ट एंड द स्ट्रोमा सो दिस इज़ द टिपिकल क्लासिकल पिक्चर ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा जिसमें आपको ये लोब्यूल्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पैलीसेडिंग है पैलीसेडिंग मतलब पैरलली अरेंज न्यूक्लिया और ये क्लेफ्टिंग है जो लोब्यूल और स्ट्रोमा के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको हम क्लेफ्टिंग कहते हैं दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर पैलीसेडिंग पैलीसेड्स का मतलब होता है जो पैरलली अरेंज्ड वुडन प्लैंक्स रहते हैं फेंस में उसके जैसा थैंक यू